हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो हमारी व्लॉग की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बारे में। आप लोगों को गाइस पता है, जैसे मैं इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ, मैंने अपने लाइव सेशन में बहुत बार बताया है कि मैं जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए क्या मार्केट में चल रहा है, क्या क्वेश्चन बैंक है अभी, है ना, तो वो मैं देता रहता हूँ। तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बेशक आपने ज्वाइन करना हो ना करना हो, बट आप इंटरव्यूज़ देते रहो जिससे आपकी नॉलेज आपको पता चलता रहता है कि मुझे कितनी और ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की। कभी मुझे अगर इंटरव्यू देना हो तो मैं उस तरीके से अपने आप को तैयार कर पाऊँ। तो अभी कुछ एक मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जीएस पे, मैंने एक वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, वैसे मैं आजकल सीरीज़ भी चल रही है जीएस के ऊपर, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले जीएस इंटरव्यू में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसलिए इस व्लॉग को पूरा देखना। दूसरा, आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भैया आपने ये क्यों ले ली, ट्रेडमिल क्यों ले लिया। उन लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा तो मुझे स्टोरीज पर रिप्लाई आने लग गए, भैया आपने ये क्यों ली है। मेरे जो शिफ्ट है वो 11 से 7:30 है, और फिर कभी बाहर नहीं जाना हुआ है, और सुबह मैं लेट उठ रहा हूँ, रात को लेट नाइट सो रहा हूँ और सुबह लेट उठ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे बात बनेगी नहीं, अगर 25 मिनट की वॉक मैं इस पर ट्रेडमिल पे कर लूँगा और शाम को भी कर लूँगा तो बैलेंस रहेगा मामला, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया, मैंने घर पे इसे बुला ले ली और सब कुछ सॉर्टेड है, सुबह शाम इस पर रहता है। अभी मैंने टाइम टेबल बना रखा है तो इसलिए ये ले ली मैंने, ठीक है। हेल्थ है तो सब कुछ है जी, पैसा तो आप कितना भी कमा लोगे बट हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप बहुत कमा लोगे, ठीक है। तो सो आई बिलीव आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड चलिए सेटअप करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। एम करते हैं इस पर, बहुत छोटा एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, एंड आई बिलीव हम कर लेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग क्या होना चाहिए प्लीज़ मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए सेटअप करते हैं, बात करते हैं पूरी प्रोफाइल के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फ्री रिसोर्सेज दिए हैं जिन्हें आप पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छा है। ये भी सही है। एक्चुअली मेरा जो घर है वो पार्क के साथ अटैच्ड है, तो ये शाम को बच्चे खेल रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, आप पूछो मत, पता नहीं कितनी आपको आ रही होगी, बट चलिए आवाज़ आती रहेगी, हम अपना काम करते हैं, उनको उनका काम करने देते हैं। सो रिएक्ट जीएस प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था अभी जीएस का, मेरे से क्या सवाल पूछे गए मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप रिएक्ट इंटरव्यू या जीएस में इंटरव्यू देने का प्लान अभी कर रहे हो या आपका होने वाला है कल परसों नरसों जब भी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा वीडियो। कुछ फ्री रिसोर्सेज भी दूंगा, वो भी आप चेकआउट करना, ठीक है। सबसे पहले गाइस, जब रिएक्ट डेवलपर की बात होती है या रिएक्ट जीएस डेवलपर की बात होती है तो इसका जो कनेक्शन है वो यूआई से है, ठीक है। आप एक वेबसाइट पर जो आप इंटरफेस देखते हो, पूरी वेबसाइट को आप डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो डेजिग्नेशन जो होती है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है, वो चाहते हैं कि पूरा इंटरफेस जो है या फिग्मा फ्रेमर फोटोशॉप में जो डिज़ाइन बना हुआ है, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या मटेरियल डिज़ाइन और रिएक्ट, इन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके उस पूरी साइट को बना के दे पाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी की जाती है। चाहे आप फ्रेशर जा रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस जा रहे हो, दोनों केस में ऐसे स्टार्टिंग में तो पूछ लेता हूँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है या जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको, ये जो कंपनी है ये है पुणे बैंगलोर मुंबई के लिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर गुड़गांव एंड दिल्ली, बट हमें मेन समझना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो जो इन्होंने पहला पॉइंट मेंशन किया है वो है वर्क क्लोजली विद UX डिज़ाइनर टू कन्वर्ट द डिज़ाइन इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। तो आप एज अ डेवलपर काम कर रहे होगे, एक डिज़ाइनर होगा, UX डिज़ाइनर होगा जो आपको एक टेम्पलेट देगा और वो टेम्पलेट फिग्मा फ्रेमर फोटोशॉप उस पर डिज़ाइन होगा, और उस टेम्पलेट को देख के आपको एज इट इज़ रिएक्ट का यूज़ करके एक साइट को डिज़ाइन करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, जो भी टेम्पलेट है उसे कन्वर्ट करना है। तो उस केस में क्या होता है, आपका CSS बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको सेम डिज़ाइन बनाना है तो। अगर CSS अच्छा नहीं होगा, आपको बूटस्ट्रैप मटेरियल डिज़ाइन का नॉलेज नहीं होगा, तो आप वो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बेशक आप GS में बहुत अच्छे हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने इंटरव्यूज़ के बेस पे, जो मैं पढ़ता रहता हूँ या लोगों से बात करते रहता हूँ, तो दो तरीके की प्रोफाइल निकल के आती है रिएक्ट के अंदर भी, खाली GS वाली चीज़ें जानते हो या फिर आप तो कोई टेम्पलेट मिलता है उसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS और कोई भी CSS का फ्रेमवर्क,
ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया, दैट इज़ गुड साइन, बट अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे ये मेंशन कर दिया है। सेकंड पॉइंट है, बिल्ड द रिस्पॉन्सिव यूआई स्क्रीन फंक्शनैलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट मेंशन इन द स्टोरीज। तो जी, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रायोस डॉट डू प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपका इंटरेस्ट फुल स्टैक में है, बैकएंड में है, या दोनों में है, तो आप एकदम सही साइट पे लैंड हुए हो। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे फुल स्टैक का जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ की है, और एट द सेम टाइम बैकएंड वाले की भी 6 मंथ है। आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। बाकी फुल स्टैक में गाइज ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे होगे। जो प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे एकदम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, और जिससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को निकालने में, क्योंकि यहाँ पे DSA के कॉन्सेप्ट हो गया। जो ये कोर्सेज बनाए गए हैं ये प्रॉपर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हैं, और जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाए गए हैं। तो आप कोर्स में जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और 1 वीक का ट्रायल भी ले सकते हो, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, सेम फॉर बैकएंड। बैकएंड में ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको सीखने को मिलेंगी, और जो इनका पूरा थ्रू आउट जो प्रोजेक्ट रहेगा ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आप चाहे फुल स्टैक करो या बैकएंड करो, आपको दोनों में 15,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और आपको 1 वीक का ट्रायल भी मिल रहा है। इनका एक और प्रोग्राम भी है जो कि फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको फुल स्टैक और बैकएंड दोनों चीज़ें रहेंगी, बट ये कोर्स जो है ये 1 साल का है, और अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर तो ये 1 साल का रहेगा। 9 से 12 महीने आपको लगेंगे, और पर इसमें ये है कि गारंटीड है प्लेसमेंट आपकी, गारंटीड है। स्टार्टिंग के जो 2 हैं, फुल स्टैक हो गया, बैकएंड हो गया, उसमें आप तैयारी करोगे, आपको प्रॉपर करियर असिस्टेंस मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट इसमें गारंटीड है कि आपको 6 से 18 का LPA मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें ये सब चीज़ें गाइस, 20+ मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, और 4 इंटर्नशिप ग्रेड प्रोजेक्ट्स हो गए, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं इनका सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एटलीस्ट आप एक ट्रायल ले सकते हो, उसके बेस पे यू कैन डिसाइड। साथ ही साथ गाइज, ये सारे लोग हैं डेवलपर्स हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया है, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप में प्लेस्ड हुए हैं। बाकी जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और क्रायोस का जो सर्विस है, सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा है। आपको प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए गाइड किया जाएगा, ताकि आप एक प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस या कोई भी MNC आप क्रैक कर पाओ, उस तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो मैंने लिंक दे दिया गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट, और आप एक फ्री ट्रायल जरूर लेके देखिए। अब यहाँ जो स्टोरीज वर्ड है, अब जिस भी कंपनी में आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे एक जीरा टूल होता है जहां पे रिक्वायरमेंट बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बनाता है, और वो स्टोरीज में रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि आपको क्या एक्चुअली में डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पेजिनेशन बनाना है, तो वो एक स्टोरी होगी उसके लिए कि मुझे होम पेज पे या जिस भी पेज पे यूजर चाहता है वहां पे पेजिनेशन चाहिए, तो ये एक स्टोरी हो गई, तो वो आपको रिएक्ट में बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब चाहे वो फिर स्क्रीन बनाने के लिए भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे फिर आप CSS खुद लिखोगे, राइट? तो इसीलिए एक UI के अंदर एक ये रहता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं JS के अंदर, भैया मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं रिएक्ट के अंदर, बट अब CSS भी मुझे और बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एज अ UI डिज़ाइनर जाओगे, आपको कन्वर्ट करने वाली जॉब भी मिलेगी, तो आपको फिर ये चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ जगह होता है, इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी एप्लीकेशंस डेवलप्ड हैं, सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वहाँ चल जाता है। बट अगर स्क्रैच से बनाना होगा तो CSS आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास एक CSS का फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, कुड बी मटेरियल डिज़ाइन, बूटस्ट्रैप, इट्स ऑल डिपेंड। अब वेबसाइट की परफॉर्मेंस को यूज़ करने के लिए वेब सॉकेट और वेब वर्कर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि इम्प्रूव UI परफॉर्मेंस बाय इम्प्लीमेंटिंग वेब वर्कर्स एंड वेब सॉकेट, तो ये चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन है एक कंपनी की, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी हर कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग रहती है, तो जब भी आपको कभी रिएक्ट के लिए कॉल आए तो जस्ट उनको बोलो कि कुड यू प्लीज सेंड एन ईमेल जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन हो, तो मैं एक बार पढ़ के आपको रिवर्ट कर दूंगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हो HR से, वो आपको जरूर शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर, जो ये कॉमन पॉइंट रहता है कि स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ईगर टू लर्न एंड ट्राई न्यू टेक्नोलॉजीज, ये हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग होना चाहिए। कॉल एक्सटर्नल API यूजिंग Axios लाइब्रेरी एंड ऑथेंटिकेशन, JWT कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रिएक्ट के अंदर, अगर कोई मेरे पास वेब सर्विस से डेटा आ रहा है तो उसे कैसे रिएक्ट के अंदर मैं अपने पेज पे दिखाऊंगा, ऑल्दो वी कैन यूज़ फेच फंक्शन ऑल्सो, बस Axios लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। और जब आप डेटा फेच कर रहे होगे तो वहाँ पे फिर प्रोमिसेस, असिंक, अवेट, वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। वो भी एक मैंने ऑलरेडी सेशन उस पर बना रखा है, वो सारे लिंक्स मैंने यूज़फुल लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप रिएक्ट इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ES6 पूछा ही जाएगा, भैया ES6 क्या है,
ES6 आप समझ सकते हो एक एडवांस जावास्क्रिप्ट, ECMAScript के कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रिंग लिटरल, राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर। तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्लोजर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लोजर, प्रोमिस, असिंक, अवेट, ये तो ऐसे बाइंड, कॉल, अप्लाई, ये ऐसे क्वेश्चन से आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, इनमें से एक दो क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैंने दिए हैं इंटरव्यूज जैसे, तो मेरे को तो ये हमेशा पूछे ही गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्किल्स रिक्वायर्ड, तो एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो जी आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हो, आप कोई भी जगह इंटरव्यू देने जाओगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पूछते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, स्निपेट लिखवा लेंगे, स्निपेट भी लिखवा सकते हैं आपसे, क्योंकि रिएक्ट के अंदर अब इटसेल्फ कंपोनेंट है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, आपके पास 100 कंपोनेंट्स हैं, विदाउट यूजिंग प्रॉप्स एंड स्टेट आपको डेटा पास करना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछा था मेरे से अभी ये। तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट डोम मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए यूजिंग कोर जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जेक्वेरी, कोर जावास्क्रिप्ट और वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप पे को, अगर आपको पेज में कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर पाओ डायनेमिकली, उस डोम में मैनिपुलेशन कर पाओ, ठीक है, आपको हेडिंग बदलनी है डायनेमिकली तो वो आप कर पाओ यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बट इन्होंने मेंशन किया नो जेक्वेरी, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए उन्होंने ऐसे मेंशन कर रखा है। राइटिंग बैकग्राउंड स्क्रिप्ट यूजिंग वेब, हाँ, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वेब शॉकेट और वेब वर्कर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस यूजिंग मटेरियल UI एंड रिएक्ट, तो अगर आपको मटेरियल डिज़ाइन का आइडिया है, बूटस्ट्रैप का आइडिया, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मेरे को जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के समझ आया वो ये आया कि इनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो भी डिज़ाइन है वो आपको कन्वर्ट करना होगा, और जब कन्वर्ट करना होगा तो एज इट इज़ चाहिए, थोड़े कि डिज़ाइन कुछ आप कुछ और बना रहे हो, आपने सारे कॉम्पोनेंट तो बना दिए, जितना JS वाला काम था वो आपने कर दिया, बट एट दी सेम टाइम आपको एकदम रेप्लिका बनाना है एज इट इज़, तो उसके लिए फिर आपका CSS बहुत अच्छा होना चाहिए और बूटस्ट्रैप या मटेरियल डिज़ाइन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज ये थी एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी जब भी आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, आप फ्रीली HR से बोलो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दो, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या जो आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर अभी तक किया है, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है तो क्या वो चीज़ आप उनको दे पाओगे, ये चीज़ अगर पहले ही क्लियर कर लोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, राइट, इसलिए मैं तो पहले ही पूछ लेता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, मेरे से भी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या था जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आपको हेल्प करेगा, एज एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है 4 साल का 4.5 साल का, तो कंपनी अब आप एज अ डेवलपर भी जा सकते हो, या फिर आपको दो बंदे मिल जाएंगे, दो जूनियर डेवलपर मिल जाएंगे आपके अंडर, उनको आपको गाइड करना है, आपको क्लाइंट से बात करनी है, सारा कोऑर्डिनेशन आपने खुद मैनेज करना है, अगर टेक्निकली वो कहीं भी स्टक होंगे तो आपको उनकी हेल्प भी करनी है, ठीक है। तो 4 साल 4.5 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे से ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, कहीं कहीं जगह एज अ रिएक्ट JS डेवलपर भी जा रहे होगे, ठीक है। तो जी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने भी लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया था JS के ऊपर, तो मेरे से क्या पूछा गया और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी। जैसा आपको पता है गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4+ है, तो जो डेजिग्नेशन थी वो ये थी कि एज अ लीड मैं काम करूँगा। टेक्निकली ये जो इंटरव्यू का जो मेन मोटिव था, मुझे टेक्निकली चेक करना था कि मैं कितना ज़्यादा रिएक्ट जानता हूँ, कितने मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक कंपनी कैसे देखती है, ठीक है, और मुझे दो जूनियर डेवलपर मिल जाएंगे। अब जो भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आएगी हम मिलके आपस में काम करेंगे, क्लाइंट से मैं बात करूँगा, रिक्वायरमेंट को समझूंगा और साथ में उनकी हेल्प भी करूँगा, और मैं खुद भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँगा, तो ऐसा कुछ रोल है ये। तो जो रोल है, फर्स्ट जो प्राइमरी स्किल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है CMS। आपको पता है कि मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ CMS है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्डप्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेडलेस CMS। सो अडोब है, कॉन्टेंटफुल है, शेयरपॉइंट है, ठीक है, ऐसे कुछ CMS हैं जो कि जहाँ से आपको डेटा मिलता है, तो बिजनेस जो होगा, जो क्लाइंट होगा, वहाँ डेटा डालेगा और हम वो डेटा कंज्यूम कर रहे होंगे अपनी ऐप के अंदर। तो ये बैकएंड कॉन्टेंटफुल मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ से आपको डेटा मिलता है। तो इसके बारे में मेरे से 20 मिनट बहुत सारे सवाल पूछे गए कि अजय इज़ इट पॉसिबल अगर हम GUI से ही, इंटरफेस से ही डेटा पुश कर दें कॉन्टेंटफुल के अंदर, ऐसे सवाल पूछे गए। क्या मैं डिलीट ऑपरेशन कर सकता हूँ सीधा, कॉन्टेंट मॉडल क्या होता है, कॉन्टेंट क्या होता है, कैसे कॉन्टेंटफुल से मैं रिएक्ट ऐप को कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। हेडलेस CMS होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा सवाल पूछे गए। तो 20 मिनट डिस्कशन रहा कॉन्टेंटफुल के ऊपर, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गए वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जब जावास्क्रिप्ट की बात हुई तो पहला सीधा सवाल आया असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, जहाँ पे मेरे से पूछा गया
प्रोमिसेस, कोड लिखवा के देखा, स्निपेट लिखवा के देखा, मैंने लिख के दिखाया उनको, ठीक है, और फिर रिजेक्ट रिजॉल्व का पर्पस बताया उनको, असिंक अवेट के बारे में पूछा, ठीक है, कॉल बैक क्या होता है उसके बारे में पूछा, क्लोजर के बारे में पूछा, अप्लाई बाइंड और कॉल क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसका एग्जांपल लेके मैंने उनको बताया। तो ऐसे कुछ जेएस के क्वेश्चंस पूछे गए, फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पूछा, क्लास कंपोनेंट के बारे में पूछा, कब फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करें, कब क्लास कंपोनेंट यूज़ करें, फिर ESX के ऊपर आ गए, फिर वहाँ मेरे से पूछा एरे डी स्ट्रक्चरिंग, राइट, और उन्होंने मेरे से पूछा स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ठीक है, एरो फंक्शन का थोड़ा स्निपेट मेरे से लिखवा के देख लिया, हाउ एरो फंक्शन इज़ यू नो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, ऐसे ESX के कॉन्सेप्ट मेरे से पूछे गए। तो ये जो 20 मिनट रहा, फिर 20-25 मिनट इसमें भी लग गए JS वाले कॉन्सेप्ट में, कुछ रिएक्ट वाले कॉन्सेप्ट में। फिर उन्होंने कहा अजय एक बात बताओ, अगर आपको डिज़ाइन करना हो स्टार्टिंग से, क्या आप कर पाओगे? मैंने कहा देखो मेरा जो रूल है, मैंने जावा पे काम किया और फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट में काम किया है, बट मैंने किसी साइट को डिज़ाइन, मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं CSS समझता हूँ अच्छे से, अगर आप कुछ भी लोगे मैं बता दूंगा, बट कन्वर्ट करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ मैंने कहा। एक दो सवाल और भी आए थे CSS के, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ रहे थे तो मुझे वो याद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्लियरली कहा कि मुझे भी याद नहीं आ रही है तो मैं इस पे आंसर नहीं कर सकता। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ कहा और उसको बहुत अच्छा भी लगा ये चीज़। तो 10 में से 8 सवाल मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पूरे इंटरव्यू के अंदर दिए और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, मतलब आई मीन जब ख़त्म हुआ इंटरव्यू, तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ सवाल, व्हाट इज़ योर फीडबैक, हाउ वाज द इंटरव्यू? सो उसने कहा एवरीथिंग इज़ गुड, बस एक ही छोटा सा फीडबैक है कि आपको कुछ पूछा जाता है तो आप पूरा एक्सप्लेन कर देते हो, जो कि एवरी यू नो टाइम बहुत प्रीशियस है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप कम टाइम में ही आंसर क्विक दो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस यही एक फीडबैक है, बाकी टेक्निकली सब कुछ ठीक है। तो ये फीडबैक के साथ ही इंटरव्यू खत्म हुआ। तो ये मेरा था JS का इंटरव्यू, जो आई बिलीव आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, बाकी मैं ऐसे देता रहता हूँ। और नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए प्लीज़ लिखना, मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊंगा। बाकी गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे शेयर करोगे ना तो इस वीडियो को रीच बहुत मिलेगा, और YouTube की जो एल्गोरिथम है वो डिज़ाइन ही ऐसे है कि आप लाइक करते हो शेयर करते हो तभी वो आगे ऑडियंस तक जाती है, वरना वो वीडियो आगे नहीं जा पाती है। बाकी थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो नंबर इज गिवन, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर, हमारे पास जो बेस्ट प्लान है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, काफ़ी कम प्राइस के अंदर वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज, काफ़ी अच्छे प्लान हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में और मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके वो प्लान की डिटेल ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके जरूर जाना, वरना मत जाना, रिपीट देखते रहना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।